नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट। जैसा कि आपको पता ही है कि UPTGT का पेपर ऑलरेडी हो चुका है और 17 और 18 तारीख को PGT का होना है। UPTGT के लिए बहुत सारी आवाज़ उठ रही है, पेपर रद्द होना चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि रद्द होने के चांसेस शायद ही कम लग रहे हैं, क्योंकि आप जैसे कि देख ही रहे हैं कि जो आयोग है वो अपनी एक न एक करके प्रोसेस कर रहा है, यानी कि रद्द होने के कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। तभी वो अपने अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि अब जो इनकी फिर से एक आंसर की आने वाली है, जो कि उसी के बेसिस पे आपके जितने क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, ठीक है, ये अगर बोनस पॉइंट मिलने वाले होंगे तो आपको उन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू या उन्हीं उस आंसर की के थ्रू पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो इनकी उत्तर कुंजी संशोधित वाली आने वाली है, तो उसकी जो तारीख है वो है 26 और 27 अगस्त। इन दो दिनों के बीच आपकी जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दी जाएगी, ऑफिशियल आंसर की, जिसके थ्रू आप लोग अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, सॉरी, जिसके थ्रू आप अपना जो है नंबर चेक कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस राइट करे हैं। उसके बाद जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सेप्टेम्बर के मिड में, यानी कि मान के चलिए कि 15 सेप्टेम्बर तक आपको रिज़ल्ट UPTGT का देखने को मिल जाएगा। इसलिए क्योंकि प्रोसेस बहुत तेज़ी से हो रहा है और सूत्रों के मुताबिक सुनने में यही आ रहा है कि एक दो सब्जेक्ट्स की जो OMR शीट्स हैं वो सब चेक हो चुकी हैं, यानी कि सिर्फ एक दो सब्जेक्ट्स के भी चेक हुए हैं। धीरे धीरे मतलब इस चीज़ को प्रोसेस बढ़ाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि 31 अक्टूबर के पहले उनको भर्तियाँ करानी है और PGT का भी पेपर कंडक्ट होने के बाद PGT की भी सेम ऐसे ही होगा। PGT के में एक हफ्ते बाद जो है आंसर की आएगी, फिर उसके दो एक डेढ़ हफ्ते बाद जो है उसकी ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ करी जाएगी। उसका भी जो रिज़ल्ट होगा वो आपको देखने को मिलेगा सितंबर में ही, बेसिकली लास्ट सितंबर में। अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर दीजिए। थैंक यू सो मच।